हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपके लिए एक अच्छा सा कलेक्शन लेकर आ गया हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते। तो ये पहली काइट देखिए आप, ये घोड़ा जैसा बना है, इसमें जैसे चेस में होता है, और इसमें जो घुटाई है वो भी अच्छे से करी गई है। ये देखिए बहुत चमकने वाला, इसमें जो घुटाई करी गई है कैसे चमक रही है पतंगे। और इसके नीचे आप गौर फरमाएंगे तो इधर भी एक छोटी सी पतंग बनाई गई है, इसमें अच्छी पतंग है। और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा ऐसे कौवे की तरह है, मतलब बहुत तेज़ चलेगी, ऐसी पतंगें बहुत तेज़ खिंचती हैं। अगली पतंग देखते हैं, ये देखिए नीली है, पौनी पतंग लग रही है, और घुटाई में ज़्यादा नहीं करी गई है, लेकिन तब भी सही है, पतंग देखने से अच्छी लग रही है। अगली पतंग ये देखिए, ये भी पौनी है, पिंक कलर की। ये तो दिख नहीं रहा है किसकी, लेकिन इसका पत्ता देख के पता चल रहा है कि अभी नई पतंग बनी है जल्दी में, क्योंकि इसमें हल्का सा आपको गीला गीला दिखेगा। इसका मतलब इसमें जो इन्होंने अभी लुद्दी लगाई है, मतलब चिपकाने के लिए जो गम का टाइप का लगाते हैं, ये हरा हरा, वो जल्दी में लगाया है, तो मतलब नई में अभी जल्दी में पतंग ही बनी है। इसे अभी थोड़े दिनों रखना पड़ेगा, उसके बाद ये पतंग लड़ेगी। अगली पतंग ये देखिए, गिलहरा कहेंगे आप इसे, नीला और काले कॉम्बिनेशन है, बीच में देखेंगे घुटाई भी देगी आपको, और सीख में भी आप देखेंगे तो अच्छे से इसमें काम करा गया है, इसकी सीख में बन रही है पतंग। बीच में ये मंगोटिया है, और देखिए जो मैं आपको कह रहा था कि ये हरी हरी, आप जो ये कोने में देख रहे होंगे हरा हरा, इसी से पतंग ये लोग चिपकाते हैं, सही, यही हरा हरा होता है। अगली पतंग मुड्डेदार है, नीचे आप देखेंगे स्काई लिखा है, लेकिन उसके आगे दिख नहीं रहा क्या लिखा है। और ये भी पौनी पतंग है, किसकी बनी है ये पतंग देखते हैं। प्रसोस काइट सेंटर, सही से दिख नहीं रहा है, देख लेना आप अगर आपको दिख रहा हो, वैसे मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है। और पतंग में आप इधर गौर फरमाएंगे तो आपको इधर साटे दिखेंगी, जो मोटा मोटा होता है सीख में, मतलब अच्छे किसी कारीगर की पतंग है ये, और हल्का पत्ता ही पीला पड़ रहा है, मतलब एजिंग हो चुकी है इस पतंग की। अगली ये देखिए पतंग दोस्तों, अगर ये पतंग आप आगे जाके लड़ाएंगे तो ऐसा लगेगा, क्योंकि जो ये सफ़ेद सफ़ेद हैं इसके कोनों में, ये चीज़ ये आगे जाकर आसमान में दिखेंगी नहीं, तो ये ऐसा लगेगा कि कौवा पतंग लड़ रही है, लेकिन ये पतंग पूरी एकदम सही शेप की पतंग होगी, सही कौवा लगेगी आगे जाके, ये पतंग पूरी अच्छी लगेगी देखने में। अगली पतंग ये देखिए, अलग अलग डिफरेंट पेपर का यूज करा है इन्होंने, ऐसी पतंग तो देखी भी नहीं होगी आपने, और अच्छी पतंग है, अच्छे से काम करा गया है इसकी सीख में, देखिए अच्छे से सीख को सेका गया है आग में, ताकि अच्छा सा डिज़ाइन ला सकें ये लोग। अगली पतंग देखिए मंगोटिया है, किसकी बनी है, कनाई काइट सेंटर, उसके आगे नहीं दिख रहा है, नीचे कोलकाता लिखा है, नंबर देख सकते हैं, लेनी हो तो आप ले सकते हैं इनसे नंबर को नोट करके। अगली पतंग ये देखिए पौनी पतंग है, चांद बना है, मंगोटिया है, अच्छी पतंग है, ज़्यादातर मैदान से लड़ेंगी ये पतंगे। ये देखिए अगली पतंग, ये जो पतंग है ये छोटे फर्मे की पतंग है। अगली ये देखिए, ये जो पतंगें होती हैं छोटे फर्मे की पतंग है, ये अद्दी हैं, और ये खिंचाई के पेजों में ज़्यादातर यूज होंगी। ये देखिए चप्पा, कारीगरी देख सकते हैं आप इसमें, अच्छे से घुटाई करी गई है इन्होंने, गोल गोल सेम है, बस घुटाई अलग है इसमें। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि घुटाई करने में बहुत मेहनत लगती है, इतनी मेहनत तो पतंग बनाने में नहीं लगती जितनी पेपर में घुटाई करने में लगती है, अगर अच्छे से घुटाई करी होगी किसी ने तो, इसीलिए इन पतंगों की कॉस्ट बढ़ जाती है जिसमें घुटाई करी होती है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन घुटाई करने में। ये देखिए अगली पतंग दिल बनाए, ऊपर कुन्ने हैं, नीचे भी हल्के से कुन्ने टाइप के इन्होंने दे रखे हैं, और सीख भी काली हैं, मतलब सीख में भी काम करा गया अच्छे से, वैसी है सेम पतंग। अगली ये देखिए घुटाई देखिए आप,
वही है। अच्छा ये देखिए 786 की पतंग है, और सितारा पतंग है, और मुरली उस्ताद की पतंग लग रही है क्योंकि वो ही ऐसी पतंगें बनाते हैं, और गुटाई बहुत अच्छे से करी गई है, बहुत अच्छी कॉस्टली पतंग होगी ये। और ये ज़्यादातर जो लोग लेते हैं ये अपने लिए कलेक्शन में रखने के लिए लेते हैं, ये लड़ती नहीं है ऐसी पतंगें। और ये देखिए औरत टाइप का, वूमेन टाइप का, इसमें फेस बना है, दिल बने, सितारा, और ये देखिए कुटाई बहुत अच्छे से करी गई है, और ये पक्का मुरली उस्ताद की पतंगे हैं जितनी भी हैं। ये देखिए ये भी उन्हीं की पतंग है, और ये लोग लड़ाते नहीं हैं, ये ज़्यादातर अपने कलेक्शन में रखने के लिए लेते हैं ये पतंग। और कोई कोई होते हैं जो लड़ा भी देते हैं, आपके ऊपर आप लड़ाना चाहें तो लड़ा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली पतंग देखते हैं हम, कुन्नेदार है, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है, पेपर जो इसमें यूज हुआ है वो अच्छा क्वालिटी का पेपर लग रहा है। हरी पतंग, ये कैसा डिज़ाइन दिया यार इन्होंने, बहुत अनोखा डिज़ाइन दिया है। और पौनी है ये भी पतंग, कौआ पतंग, गिलहरा है, और ये कुन्नेदार, पेपर यूज हुआ है, अच्छा पेपर यूज हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं घुटाई करी गई है, ये भी उसी में का पेपर है। एक कहते हैं ना ये वाला पेपर, जैसे जर्मनी पेपर कहते हैं ना, जर्मनी, ये जर्मनी पेपर का यूज करा है इन्होंने, ये देखिए आप, और घुटाई करी गई है, गिलहरा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बीच वाला पेपर है वो तो और भी अच्छा, मतलब ट्रांसपेरेंट पेपर जैसा है ये सब। पौनी पतंगे हैं ये देखिए, कॉस्टली पतंगे होंगी, मुड्डेदार, अगली भी मुड्डेदार है, घुटाई करी गई है बढ़िया से, ये देखिए दिल टाइप की शेप है, रेड और नीले का कॉम्बिनेशन है, और घुटाई करी गई है, मंगोटिया, नीली और हरी का कॉम्बिनेशन, मंगोटिया ये भी घुटाई करी गई है अच्छे से, ये देखिए पटेदार। और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी पतंगे न लड़ाएं, क्योंकि ऐसी पतंगे तो आप टेपिंग करके लड़ाएं, क्योंकि इनके जॉइंट्स खुल जाते हैं आगे चल के, तो आप सिंपल पतंग लड़ाएं पूरी एक जैसी, और ऐसी पतंग अगर आप लड़ाते हैं तो इससे अच्छे से टेपिंग कर लें। ये देखिए अगली पतंग, मंगोटिया है और पटेदार है, नीली का गिलहरा, ये तो वही है बस, रंग में चेंज है। अगली सब पौनी पतंग है जो आपको दिखा रहा हूँ, मुड्डे में लाल कलर का थप्पा बना है, अच्छी है ये, थोड़े रॉकेट टाइप में इसमें कुन्ना हो गया, दानिश की पतंग लग रही है, हाँ उन्हीं की है। अगली पतंग टी टाइप की, वासिफ और विलियम्स की पतंग है ये, और वासिफ इनका जो मतलब वो क्लब वाले होंगे उनका नाम होगा, नंबर तो नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन अच्छी पतंग लग रही है, यहाँ पे आप देखेंगे गौर फरमाएंगे, सॉरी यहाँ पे आप गौर फरमाएंगे तो आपको यहाँ पे फूल दिखेगा, और विलियम्स की भी चिट लगी है इधर, ये देखिए। ऐसी पतंग आप ज़्यादा लड़ाया करें, क्योंकि ये पतंग से मतलब एक दिल को सुकून मिलता है कि ये पतंग आप आगे जाके नहीं खुलेगी, और अगर आप ज़्यादा रंग बिरंगी पतंग लड़ाएंगे तो ऐसा उसके जॉइंट खुलने के वो होते हैं, इसलिए आपको पहले उसमें टेपिंग करनी पड़ती है, इसमें तो बस आप इसके चारों तरफ टेप लगाइए, छोड़ दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। विलियम्स की पतंग है ये भी, और ये देखिए ये पतंग एज्ड पतंग लग रही है, 3-4 साल पुरानी, क्योंकि इसके जो आप देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद पेपर है, इस ये पीला पड़ गया है, और इससे आप इसकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से भी आप देख लें तो ये देखिए पीला हो रखा है ये पेपर, इसका मतलब ये अच्छी खासी एज्ड पतंग है ये, और ऐसी पतंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, एज्ड पतंगें, कुन्नेदार, वासिफ की पतंग है, विलियम्स है। अगली पतंग देखिए सितारा है, किसकी है, सोनिक काइट, देख सकते हैं आप किनारे को बहुत अच्छे से, बस आप देखते रहिए, इसके बारे में क्या कहूँ, कितनी अच्छी पतंग है ये, और ये पुरानी पतंग लग रही है, क्योंकि इसके इधर भी नीला नीला जो है ये पीला पड़ रखा है, इसका मतलब ये पतंग है ये तो वैसे भी कलेक्शन में रखने के लिए है।
सोनिक काइट की पतंग है ये, देखिए पूमा का इसमें वो लगा है सोनिक काइट के ऊपर, और बहुत ही बढ़िया पतंग है, आला पतंग कहते हैं जिसे। अगली ये भी सोनिक काइट की है, सोनिक काइट भागा, ये देखिए सब पुरानी पतंगें लग रही हैं सब, आपको कोनों से आपको इसके जॉइंट्स देखेंगे पीले पड़ रखे। ये देखिए अगली पतंग मंगोटिया है, सब अलग 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 डिज़ाइन में है। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में, और यार आप मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे यार, जल्दी से शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो मेरी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो, और कमेंट करो लाइक भी कर दो। बस यही था, और अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर करो अगर पसंद आ रही हो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।